तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं, आज का व्लॉग हम कहाँ जा रहे हैं आज? अरे बहने के लिए बड़े मादरचोद आदमी। You are so heartless and you don't care and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care and I दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग अगेन। तो आज हम लोग आए हुए हैं सफदरजंग टॉम्ब अपने दो चांडालों के साथ जिन्होंने नाक में दम कर रखा है। तो आज करेंगे हम आपके साथ मिलके सफदरजंग टॉम्ब को एक्सप्लोर, दिखाते हैं यहाँ के कुछ खूबसूरत नज़ारे हैं और क्या, बाकी तो आप वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं थोड़ा एक्सप्लोर। तो दोस्तों चलिए करते हैं एक्सप्लोर करना शुरू। उससे पहले ले लेते हैं अपने जानवरों को साथ में। भाई आए तो बोल दो जरा पब्लिक को। हाय हाय, चलो चलते हैं थोड़ा करते हैं एक्सप्लोर। हाँ चलो झाड़ी में चलते उधर कोने में। भाई हिमायू टॉम में आओगे ना, हर पेड़ के नीचे कोई ना कोई किसी को पकड़े बैठा है। हमें तो भाई कंपनी दोगे? बिल्कुल देंगे, कंपनी देंगे, क्यों नहीं। चलो फिर। हाँ चलो चलो, आओ चलते हैं। चलो चलते हैं, दो अभी धूप पड़ी। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सफदरजंग टॉम का फ्रंट व्यू। एक्चुअल में इसके जो चारों साइड हैं वो एकदम सेम टू सेम लगती हैं। किसी भी साइड से आप आओ बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। देख रहे हैं चारों साइड आपको सेम एक जैसी दिखेंगे। चलिए चलते हैं थोड़ा ऊपर। तो ये यहाँ के स्टेयर्स जिनसे हम आ चुके हैं ऊपर। इसे देख के कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ताजमहल को लाल पेंट कर दिया गया, बिकॉज इसकी जो डेकोरेशन है वो एज इट इज एकदम ताजमहल की तरह। और अंदर जो है इसके अंदर एक मकबरा है, किसका है वो मैंने पढ़ा नहीं है, देख के बताऊँ आगे पढ़ के। और जो आपका मेन मकबरा है इसके लिए बना वो ये सेंटर में से। तो बेसिकली ये जो पूरा सफदरजंग टॉम है ये एक मकबरे को सेफ रखने के लिए या उसको कवर करने के लिए ही बनाया गया है। जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे बड़े बड़े पैसों वाले, उनकी जो मतलब मरने के बाद डेड बॉडी वगैरह होती थी उसी तरीके से मकबरे वगैरह बनाए जाते, उन्हीं में दफन की जाती थी। तो दोस्तों बात इतना कुछ खास है नहीं, बिकॉज इसकी जो चारों साइड हैं वो सेम टू सेम एक जैसी हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री करते हो तो आपको हर तरफ का नज़ारा एक ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ थोड़े पार्क वगैरह हैं जो कि इवनिंग के टाइम पे यहाँ हवा वगैरह थोड़ी ठंडी चल रही है, माहौल अच्छा है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। बाकी ये दो हमारे जलन जानवर। क्या हुआ भैया? तो प्यास के हम कौन सी टोटी लेके चल रहे हैं, मतलब घड़ा लेके चल रहे हैं यार, ऐसी बात कर रहे हो, प्यास लगी तो हमसे पानी मांग रहे हो। पता नहीं यार क्या सोच रहे हैं ये लोग, क्या चाहते हैं, छोड़ो। हम तो सिर्फ पानी पीना चाह रहे थे, पर पता नहीं आप लोग की सोच। भाई मैं कौन सा घड़ा लेके चल रहा हूँ, तुम्हें भी टोटी का पानी पीना है। नीदी नीदी
चलिए चलते हैं हम घर की तरफ, काफ़ी देर हो गई है। तो गार्ड ने हम लोगों को धक्के मार के निकाला है बाहर, लेकिन बाहर निकलने के बाद थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ जो लाइट ऑन हुई है नाइट की, उसका व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए एक बार पीछे का लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी आपको जो शॉर्ट्स हैं वो वहाँ के वीडियो में दिखाता हूँ, आपको ब्रॉल वगैरह लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग और नाइट का ये व्यू यहाँ का? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।